और हम चलते हैं, अब हम विक्की से पूछेंगे। विक्की, आप बोलेंगे? हर कंपटीशन में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं विक्की जी, और आज ये बताएंगे कि ये कंपटीशन में आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सबको गुड इवनिंग। मैंने ये कंपटीशन में जब फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, मैंने सबके सॉन्ग्स सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके सॉन्ग्स मैंने एंजॉय किए। मैं चाहता हूँ कि आप भी पहले राउंड से यहाँ तक पहुँचे हुए सारे पार्टिसिपेंट के लिए आप लोग एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि ये सब उनकी मेहनत और लगन से या इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मैं भी सुहास सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद विक्की। और विक्की एक बहुत बेहतरीन कलाकार है, बहुत मेहनत करता है, और इसके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत तालियां इनके लिए, ये भी बहुत मेहनत करते हैं। और मैंने देखा है हर बार विक्की का गायकी में इतना असर होता है कि ऐसा होता ही नहीं कि उसको जज कितना भी कोशिश करे लेकिन उसको मार्क्स देना ही पड़ता है। बहुत दिल से गाता है, बहुत प्योर सोल है जी। बिल्कुल, हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। अब प्रीतम जी, आपका क्या कहना है इस कंपटीशन के बारे में? इस कंपटीशन जो है, मैं तो भाग ही नहीं लिया, पता ही नहीं था मुझे। But Suhas is known to me for a very long time, and I have participated in one of his programs. But he's just too good. The way he conducts the programs, the way he organizes, and look at the way the visualization of Vikas Paripathi no better day. It's all the ideas of Suhas ka hi hai, aur kuch nahi. And thank you to participants. I'm sure we'll have a lot. Thank you, Pridham ji. बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे reviews आते हैं, क्योंकि ये competition एक online competition है और ये बहुत दिनों से चल रही है। और इस कंपटीशन का स्पेशलिटी ये था कि इसमें कोई म्यूजिक नहीं था। पहले राउंड में शायद सिर्फ ट्रैक था, पहले राउंड में सबने ट्रैक पर गीत गाए, लेकिन उसके बाद विदाउट म्यूजिक। और जब हम विदाउट म्यूजिक गाते हैं तो हमारे सारे जो फॉल्ट्स रहते हैं वो क्लियरली, फॉल्ट्स या फिर जो हमारे गुण हैं वो क्लियरली दिख कर आते हैं, झलकते हैं। तो बिना किसी ऑडियो इफेक्ट के, बिना किसी म्यूजिक के जो लोगों ने गाया है उस पर से उन्हें जज किया गया है, तो ये प्योरली जजमेंट हुआ है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां सुहास जी के लिए बनती है कि जब इतना इंस्ट्रूमेंटल जमाना है उस समय हम विदाउट म्यूजिक करके कंपटीशन को इस कगार तक पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि आप भी आज गाए भी हैं और आप पहले से भी पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा है इस कॉम्पिटिशन में? इस कॉम्पिटिशन का जो विदाउट म्यूजिक जो ख्याल है ये बहुत ही अनोखा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि विद म्यूजिक तो कलाकार गा लेते हैं, लेकिन विदाउट म्यूजिक इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसका मैंने पिच मेंटेन करना और सुर मेंटेन करना सही परख होता है कि कलाकार कैसे गाता है उसका। सो हैट्स ऑफ टू सुहास जी, ही हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन। थैंक यू सुमी जी। और अब मैं एक यंगर कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगी, निधि। बहुत देर से बैठी है, बहुत पेशेंसली बैठी है, उसको अभी गाना है, और लेकिन बहुत धीरज के साथ जोरदार तालियां एक बार इसके पेशेंस के लिए। और अब वो बहुत अच्छा गाएगी ये हमें पता है। और आपको कैसा लगता है? आप बहुत दूर से यहाँ आए हैं चैम्बूर से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग पेशेंटली, एंड I want to thank Suhas sir for organizing this beautiful competition and giving opportunities to everyone, and I'm sure everyone deserves to be here. All the participants are really good and all the best to everyone. Thank you. Very nice Nidhi, jitna acha gaati hai usse bahut acha boli hai aap, to awaaz hi itni meethi hai inki. Aur ab main piche aati hu, hamara special kuch log baithe hue hain jo ki is karyakram se bahut jude hue hain, और उनके परफॉर्मेंस भी आपने देखे हैं और उनका जलवा आपने देखा है। और हम रवि ओबेरॉय जी से सुनते हैं कि गाया तो बहुत है लेकिन अब ये
इस बारे में आप क्या जान, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कैसे कंटेस्टेंट थे और कैसे आप लोगों ने इसको मैनेज किया, इतना साउंड विदाउट म्यूजिक और ये कंपटीशन, थोड़ा आप बताएं। एक्चुअली सारे कंटेस्टेंट अच्छे थे, सारों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन बेसिकली जो वोकल वाला हमने डिसाइड किया था करने के लिए, उसमें बेसिकली कि आवाज में कितनी खनक है, कितना थ्रो है, वो सब इस तरह से चेक करते हैं जज। तो उसके लिए जितने भी अभी सिलेक्ट हुए हैं लास्ट फाइनल में, आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो आज विद म्यूजिक गाओ, हम भी सुनेंगे। और इसके साथ ही मैं मंजू जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी कुछ कहें। धन्यवाद मंजू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं एक ऐसे शख्स के पास जाती हूँ जिन्होंने खुद बहुत सारी कॉम्पिटिशन अरेंज की है और खुद बहुत सारी कॉम्पिटिशन जीती है। मैं ना देखे जिससे पूछना चाहती हूँ। जास्त वेट केलं नाही त्यांचा आवाज ए सीमध्ये अजून थोडासा मस्त असा माझा अनुभव, कारण आपल्याला जेव्हा आपण सिंगर असतो आणि कॉम्पिटिशनमध्ये असतो त्यावेळेला आपण त्या उत्साहात असतो, अजून लवकर त्यानंतर, कारण त्याच्यानंतर जो 21वा सिंगर असेल नंबर ज्याचा अजून शेवटी असेल त्याला अजून थोडा त्रासदायक होणार गायला असं मला वाटतं। तर आता लेट झालंय त्याबद्दल मी काय बोलू नाही शकत, पण चांगली कॉम्पिटिशन चालली आणि मी फेसबुकला पण खूप जणांची गाणी ऐकली आणि आता इथे प्रत्यक्ष सुद्धा पाहिलं, तर खूप छान उपक्रम राबवत आहेत आणि सगळ्यांना ऑल दी बेस्ट आणि लवकर हा म्हणजे ह्यांच्यासाठी ऑडियन्स तर बसतील, ऑडियन्सला आरामशीर खुर्ची आहेत, ए सी आहे, फर्स्ट क्लास बसतील, पण सिंगर्स वरती जो एक ताण असतो कॉम्पिटिशनचा तो कमी वावा। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र जी, और सब सिंगर्स पे अभी भी उत्साह है और सबसे दिल से सच में माफी चाहती हूँ, थोड़ा देर हुई है, लेकिन सारे सिंगर्स पे अभी भी जोश बाकी है ना, यहाँ सिंगर्स हैं ऑडियंस में, सारे सिंगर्स बैक स्टेज प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ अगली गायिका को,